हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग चैनल। माय नेम इज वीरेंद्र कश्यप। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता ठीक ही होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो काफ़ी दिनों से मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज मैंने आपके लिए ब्लॉग बना दिया कहीं घूमने का। तो मैं और मेरा फ्रेंड आज घूमने जा रहे हैं कहीं। मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगा। तो पार से बस आएगी, मैं उसी बस में बैठ कर जाऊँगा और मेरा फ्रेंड भी। तो अभी तो बस आई नहीं, आ जाएगी शायद, आ गई है बस। तो वैसे आ गई है तो हम उसी बस में बैठेंगे जो आपको दिखाई दे रही है पार। तो चलते हैं फिर इस बस में। तब तक बने रहिए आप मेरी वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखना ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई और बहुत ही बड़ी भी है। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली बस आ चुकी है फ्रेंड्स, पार से चली हुई है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं उसी बस में बैठूँगा, आने वाली है। तो मैं बैक कैमरा कर लेता हूँ। जिस तरह का नज़ारा है बस, अभी दूसरी बस पकड़ के दूसरी बस में जाएगी। तो हम इसमें, हम पहले इसमें थे, तो हम दूसरी बस में जाएंगे। तो यहाँ से भी हम थोड़ा टहल लेते हैं अपने शहर में। तो चल के चलते हैं, तब तक बने रहिए मेरी वीडियो में। हेलो गाइस, तो हम अभी मतियाना में है। तो अब हम दूसरी बस पकड़ेंगे और दूसरी बस में चढ़ेंगे। तो देखते हैं बस आती है कि नहीं। काफ़ी टाइम हो गया है और आई नहीं, और आ जाएगी। शहर में तो बस चली जाती है। तो हम उसमें चढ़ के जाएंगे हम अपने अड्डे पर जहाँ हम घूमने जा रहे हैं आज। तो अभी हम मतियाना शहर में हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये सारा मतियाना शहर है। तो तब तक आप मेरी वीडियो देखते रहिए। तो ठीक है गाइज, बाय। हेलो गाइस, तो फाइनली हम दूसरी बस में चढ़ चुके हैं, सरकारी बस में। मैं दिखाता हूँ आपको पूरा गांव। तो गाइस देखो, बस में चढ़ चुके हैं, ये अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको बस। चलिए, जब तक हम नहीं पहुँचते तब तक मैं यहीं पहुँच सकता हूँ, दिखाता हूँ आपको बाद में। हेलो गाइस, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने अड्डे पर जहां हमें पहुंचना चाहिए था। तो हाँ दोस्तों, हम पहुंच गए हैं फागू कुफरी। तो दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कुफरी। तो यहाँ ये निचले वाला रोड शिमला को गया है। तो यहाँ पे एक ढाबा है, ठाकुर ढाबा, छोटा सा। तो यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ आती जाती रहती है। फागू कुफरी बहुत ही फेमस इलाका है। यहाँ पे दूर दूर से लोग घूमने आते हैं और यहाँ का मज़ा लेते हैं, इन पहाड़ियों का मज़ा लेते हैं। यहाँ पे बर्फ़ भी काफ़ी अच्छी पड़ती है क्योंकि काफ़ी हाइट में है ये। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से रोड गया है चायल पट्टी पर, जैसे कि देख पा रहे हैं आप। यहाँ से ये परे। तो गाइस, हम यहाँ से रोड चले हुए हैं
और आगे से वह कभी गाड़ी भी आ जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको आगे गाड़ी का नज़ारा। ये है कुफरी का शहरी इलाका, यहाँ पे मेरा दोस्त है, नीचे से चला आइए। तो चलिए चलते हैं, बने रहेंगे लोगों के साथ। तब आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पुल है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पीछे एक घर भी है और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे मैं पुल के ऊपर खड़ा हूँ, दिखाते हैं आपको पुल। तो बने रहे मेरी वीडियो में। देखिए गाइस, ये है पार का शिमला का इलाका और ये यहाँ पर है पुल। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, ये है यहाँ से परे पुल और इसके इस पुल के नीचे से गाड़ी आती जाती रहती है। तो चले चलते फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, तो यहाँ से शिमला 14 किलोमीटर दूर है और दिल्ली 8 किलोमीटर और सोलनतर और परमाणु 94 किलोमीटर है। यहाँ से पार का इलाका बहुत ही खूबसूरत है, देखिए दिखाता हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। तो यहाँ पे ये ICAR सेंटर फोटो रिसर्च स्टेशन है। तो गाइस यहाँ पे अंदर आना भी अलाउ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ उनके रूल्स होते हैं, यहाँ पे अंदर आने के लिए सख्त मना होती है। तो चलिए गाइस, मैं दिखाता हूँ कुछ और चीज़ें आपको। तो गाइस ये है पुल के नीचे कुछ ऐसी पास है। चलते हैं अब सड़क हो क्योंकि हम बहुत घूम लिए हैं, अब घर की ओर चलते हैं। तो गाइस ये है पुल जिसके नीचे से गाड़ी आती जाती रहती है और इसके ऊपर से भी गाड़ी जाती है। तो आज बहुत घूम लिए, ऐसी ही वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहा हूँ और ऐसे ही ब्लॉग बनाता हूँ। ठीक है गाइस, ओके, धन्यवाद, बाय, लव यू।